लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट को क्या रेगुलर इनकम बनाया जाए कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक जॉब करते हैं, सपोज आप आईटी कंपनी में हैं और आपको एक और कंपनी के साथ काम करने का टाइप मिल जाता है, वो फार्मा कंपनी है, तो क्या आप आईटी में रहते हुए फार्मा में काम कर पाएंगे? अगर सपोज कीजिए आप ब्रोकिंग में काम करते हैं तो अगर आपको बैंकिंग की जॉब मिल जाए, क्या आप दो बैंक्स में या दो ब्रोकिंग कंपनीज में इकट्ठा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको यह समझना होगा स्टॉक मार्केट एक प्रोफेशन है, इट इज अ सीरियस प्रोफेशन। जब तक हम स्टॉक मार्केट को शिद्दत से नहीं सीखेंगे, डेडिकेशन से नहीं सीखेंगे, आप यहां पैसा नहीं बना सकते। कभी पैसा आएगा, कभी चला जाएगा और आखिर में एंड रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है, जीरो नहीं नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि वहां तक आते आते आप अपने दोस्तों से बैंक से लोन ले चुके होंगे, उधार ले चुके होंगे, आपको लगता होगा पैसा बनेगा, बट नहीं बनेगा। जब तक आप स्टॉक मार्केट को मेन स्ट्रीम नहीं समझेंगे, मेन प्रोफेशन नहीं समझेंगे, स्टॉक मार्केट आपको रिवार्ड नहीं कर सकती है। होप दैट हेल्प्स।